इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग रेप कांड की। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसके बारे में सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। कातिल दरिंदे ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स को टारगेट किया, फिर यूपी पहुंचने तक इंतजार किया और बीसलपुर के पास उस हैवानियत को अंजाम दिया जो रूह कंपा देने वाली है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर, कोलकाता जैसा रेप मर्डर। रेप के बाद पत्थर से कुचलकर नर्स की हत्या। सीसीटीवी और सर्विलांस से शिकंजे में आया आरोपी। महिलाओं के खिलाफ हैवानियत की कहानियों में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात जुड़ गई है। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां पर एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ धर्मेंद्र नाम के शख्स ने न सिर्फ रेप की वारदात को अंजाम दिया बल्कि महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को। और आइए अब आपको समझाते हैं आखिर आरोपी ने वारदात को कैसे अंजाम दिया। घटना 30 जुलाई की है जब रुद्रपुर के निजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ड्यूटी खत्म करके उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जा रही थी। इसी दौरान धर्मेंद्र नाम के आरोपी ने नशे की हालत में उसका पीछा किया और मौका मिलते ही आरोपी ने महिला को झाड़ियों में घसीट कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला की पहचान ना हो सके इसके लिए आरोपी ने महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर बरेली गया और वहां से राजस्थान फरार हो गया। यूपी पुलिस को महिला का शव उसके घर के पास की झाड़ियों से 8 अगस्त को बरामद हुआ, जिसके बाद अब जांच आगे बढ़ी तो आरोपी को सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज़ को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात की टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसकी बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की एक चीख ने पूरे देश के कान सन्न कर दिए हैं। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस रात हैवानियत का जो खेल खेला गया उसे सुनने के बाद खुद हैवानों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बिलासपुर के खेत खलियानों में जिस नर्स की चीख को दबा दिया गया उसे कोई सुनने वाला नहीं। वहशी दरिंदे की इस दरिंदगी भरी कहानी की दास्तान दो राज्यों से जुड़ती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। घटना की शुरुआत उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर से होती है और घटना को अंजाम दिया जाता है उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में। लेकिन यह घटना हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये दो राज्यों की सीमा के बीच में होती है। 30 जुलाई रात 8 बजे रुद्रपुर के अस्पताल में ड्यूटी से छूटने के बाद नर्स बिटिया अपने घर यूपी के बिलासपुर के लिए निकलती है लेकिन घर नहीं पहुँचती। 31 जुलाई रुद्रपुर थाना उत्तराखंड। लापता नर्स की बहन पुलिस के पास पहुंचती है और लापता होने की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। मामला संगीन था लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लापता नर्स 30 जुलाई को बिलासपुर इलाके में सीसीटीवी में जाती नजर आई। इसी सीसीटीवी में एक संदिग्ध उसके पीछे जाता नजर आया है।
जिसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। पता चला कि नर्स का गायब मोबाइल धर्मेंद्र नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा है। तस्लीम के एक्टिव फोन के सर्विलांस की मदद से पुलिस यूपी के बरेली जिले से साही थाना इलाके के तुरसा पट्टी गांव पहुंची, लेकिन पुलिस को इस पते पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए रवाना हुई और अचानक से पुलिस को आरोपी की लोकेशन राजस्थान के जोधपुर में मिली, जहां बकायदा पुलिस को आरोपी भी मिला और पुलिस उसे गिरफ्तार कर रुद्रपुर लेकर आई। यहां पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी से कई सारे सवाल पूछे। इन्हीं सवालों के बीच में आरोपी ने जो कुछ बताया वो वाकई आपको भी सन्न करके रख देगा। 30 जुलाई की शाम को मैंने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेला देखा था, जिसके बाद उसकी नियत खराब हो गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर मैं नर्स को जबरन झाड़ी में ले गया, जहां उसका सिर पटक कर बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में नर्स से रेप किया। आखिर में रेप के बाद आरोपी ने स्कार्फ से ही महिला का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। सही मायनों में यह वारदात उत्तर प्रदेश के सीमा में घटित हुई, लेकिन मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर में लिखा गया था, यानी दो राज्यों के सीमा से जुड़ा मामला। बावजूद इसके उत्तराखंड पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की तहकीकात करके आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गाइस ये आनंदम का है और ये कैमरा इन्होंने यहाँ पे फिट कर रखा है। रेस्टोरेंट के बाथरूम में डर्टी के नौकर गिरफ्तार, सस्पेंस बरकरार। करके दिखाया कि किस तरह वो चढ़के अपने मोबाइल को प्लेस करता था, जो हमारे एविडेंस में भी काम आएगा। खुफिया कैमरा क्या है माजरा? वहाँ पर कटिंग करके अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही सिर्फ उसने करी थी। ये देहरादून के आनंदम रेस्टोरेंट की तस्वीरें, जो 100 सवाल पैदा करती है। सवाल ये कि बाथरूम में कैमरा किसकी साजिश है? कब से बनाई जा रही है डर्टी फिल्म? लोग गुस्से में, पुलिस एक्शन में, लेकिन जो सच सामने आया, क्या उतनी ही सच्चाई है या डर्टी फिल्म की कहानी में कोई और भी किरदार? अगर आप शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट के कॉमन बाथरूम में जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ शातिर बाथरूम के अंदर भी डर्टी फिल्म बना रहे हैं। यह सनसनीखेज मामला देहरादून के एक नामी रेस्टोरेंट का है। आनंदम नाम के इस रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों की डर्टी फिल्म बनाई जा रही थी। जब इसका खुलासा हुआ तो ये लोग गुस्से में आ गए। चार तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हिडन कैमरे की है, जहां बाथरूम में ये कैमरा लगाया गया था। दूसरी तस्वीर जब कैमरे का पता चला तो लोग हंगामा करने लगे। तीसरी तस्वीर जब आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इस डर्टी फिल्म के पीछे एक सफाई कर्मी का हाथ था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। रेस्टोरेंट के बाथरूम में जैसे हिडन कैमरे की बात खुली, दूसरे कस्टमर भी भारी विरोध में आ गए। महिलाओं ने स्टाफ को खूब खरी खोटी सुनाई। अब आपको दिखाते हैं हंगामे की शुरुआत हुई कहां से। रैकेट है इनका पूरा, ये चला रहे थे सालों से। देहरादून के आनंदम रेस्टोरेंट के अंदर कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार की रात एक परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने आया, लेकिन तभी उन्हीं में से एक महिला सदस्य फीमेल वॉशरूम में गई। वो जैसे ही अंदर गई, उसे कुछ शक हुआ। जब उसने वॉशरूम में लगी टाइल को देखा तो उसके होश उड़ गए। महिला के मुताबिक वहां पर हिडन कैमरा रखा हुआ था।
महिला ने अपने घर वालों को बताया और उसके बाद तो रेस्टोरेंट के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट में आए दूसरे लोग भी वहाँ पर विरोध करने लग गए। लोग पुलिस बुलाने की बात कहने लगे। रेस्टोरेंट के एक स्टाफ पर महिलाएं भड़क गईं। कर्मचारी अपनी सफाई देता रहा लेकिन महिलाएं आपे से बाहर थी, वो लगातार कोस रही थी। हंगामा बढ़ता चला गया। महिला ने कैमरे की फोटो खींच ली थी। लोग रिकॉर्डिंग दिखाने की मांग करने लगे। काफी देर तक हंगामा इसी तरह चलता रहा। रिकॉर्डिंग ही नहीं है अब, हो गया बस समझ जाओ। यार एक घंटे से मांग रहे हैं आपसे, एक घंटा हो गया हमको। इससे पहले आपने क्या पासवर्ड दिया? कह रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं है, और क्या नहीं है? बताओ क्या डिलीट हो गया? इतने में रेस्टोरेंट के मालिक से शिकायत की गई। पहले तो आरोपों को खारिज करने लगा लेकिन जब उसे फोटो दिखाई गई तो वो उन्हें समझाने लगा। वो उन्हें आश्वासन भी देता रहा। हमारे उसके ऊपर वो आ रहा है यार, हमारी इज्जत का सवाल है। सब कैमरा दिखा रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसका, हम क्या जवाब देंगे? तुम्हारे आदमियों ने कर रखा नाम बताओ हमारा, वैसा या तो हम इनको मारे पीटे क्या करेंगे बताओ? तो अभी पुलिस आ रही है, हम देंगे इसे थाने में, देंगे हमारा क्या? रेस्टोरेंट का मालिक समझाता रहा, हाथ जोड़ता रहा लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। बताओ आप खाएंगे सारी, आपकी सारी तसल्ली करेंगे, नियम इन्हें बंद कराएंगे, जो आप कहोगे वो जुल्म इनके ऊपर करेंगे, उसमें मेरी बात। अगर हम भी शिकायत के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस भी लोगों को समझाती रही। बाद में पुलिस ने होटल के मालिक और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मोबाइल फिट करने वाले आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।